click on subscribe button and smash the bell icon for the regular updates on my channel. As you know, this year is going extremely amazing for the car market in India. So guys, yes, after MG, Kia ne bhi apni pehli gaadi jo ki hai Kia Seltos India mein launch kar di hai. So stay tuned to the video because I am going to tell you about this new car jo ki ek compact SUV hai aur kaafi zyada achhi lagti hai dekhne mein. So guys, if you want information about the Kia Seltos GTX automatic 1.4 petrol, then keep watching this video. So guys, Kia ने Seltos को एक काफी ज्यादा मस्कुलर लुक देने की कोशिश करी है एंड यस दे आर सक्सेसफुल इन दैट और इसमें लगा है 1353 cc का 4 सिलेंडर इनलाइन टर्बो चार्ज भी है 6 कंप्लाइंट इंजन एंड द माइलेज इज 16.5 km/L. सो गाइस यहां पे है कार का पूरा एग्रेसिव फ्रंट लुक और यहां पे क्रोम के एलिमेंट का यूज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया गया है. देन दिस इज द फ्रंट ग्रिल और यहां पे भी आपको क्रोम देखने को मिलेगा. साथ ही साथ यहां पे टॉप मॉडल जो कि है GT लाइन उसकी बैजिंग आपको देखने को मिलेगी. देन किया की भी बैजिंग यहां पे काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ किया कार. सो गाइस यहां पे है फुल LED हेडलाइट्स और यहां पे आपको नीचे काफी ज्यादा अलग डिजाइन में देखने को मिलेंगे इंडिकेटर्स. देन यहां पे है इसका नया आइस क्यूब शेप्ड फॉग लैंप जो कि काफी ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है और ये भी LED है. देन गाइस यहां पे आपको पूरी बॉडी क्लैडिंग मिलेगी जिसमें आपको थोड़ी सी रेड लाइन मिलेगी और ये इसके हर कलर ऑप्शन में अवेलेबल है. तो ये है कार का पूरा साइड लुक और यहां पे आपको देखने में लगेगा कि काफी ज्यादा खूबसूरत कॉम्पैक्ट SUV है. साथ ही साथ क्लैडिंग का भी यूज किया गया है. देन यहां पे है इसका पूरा ऊपर वाला हिस्सा और यहां पे आपको क्रोम का भी यूज अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा. देन उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा इसका ड्राइवर हैंडल और यहां पे आपको कीलेस एंट्री वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे. देन ये है कार का पूरा एरियल व्यू और यहां पे आपको सनरूफ और रूफ रेल्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन और कलर देखने को मिल जाएगा. देन गाइस यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ और रूफ रेल्स जो है वो ग्रे कलर और सिल्वर कलर से मिक्स डिजाइन है. देन यहां पे गाइस आपको मिलेगी बोस की बैजिंग और यहां पे भी आपको थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट्स मिला है. सो बोस इज फॉर द स्पीकर्स एंड यहां पे है कार की पूरी LED टेल लाइट्स और यहां पे आपको फुल LED यूज मिलेगा इसमें भी और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं. देन उसके बाद ये है पूरा कार का बैक लुक और यहां पे आपको किया की बैजिंग मिलेगी काफी ज्यादा बड़े एक क्रोम प्लेट पे. देन उसके बाद यहां पे आपको डुअल एग्जॉस्ट टाइप की डिजाइन मिलेगी जो कि इसके डिजाइन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बढ़िया बना देती है. देन यहां पे है गाइस इसके मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले अलॉय व्हील्स और इसमें भी आपको रेड कलर की डिजाइन मिलेगी क्योंकि रेड इज द मेजर कलर ऑफ किया. सो गाइस यहां पे आपको भारत 6 जो कि है इसका BS6 एंड किया सेल्टोस की बैजिंग मिल जाएगी. देन यहां पे है 60-40 स्प्लिट ट्रंक और यहां पे भी आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलेगी सामान रखने के लिए क्योंकि इट्स अ कॉम्पैक्ट SUV. देन यहां पे आपको स्पॉइलर में मिलेगा जो कि ब्लैक में डिजाइन और साथ ही साथ मिलेगा शार्क फिन एंटीना भी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस न्यू किया सेल्टोस. सो गाइस यहां पे आपको एंट्री करते ही बहुत ही अच्छा डोर पैनल देखने को मिलेगा. यहां पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी. देन उसके बाद यहां पे आपको बोस के स्पीकर्स में एक अलग सी डिजाइन मिलेगी एंड इसमें आपको एंबिएंट लाइटिंग भी मिलने वाली व्हिच इज अ न्यू थिंग. देन दिस इज द एंट्री थिंग और यहां पे आपको पूरी लेदर एप्सिस देखने में काफी ज्यादा रिच फील आएगा. देन उसके बाद यहां पे आपको किया सेल्टोस की मिलेगी सिल प्लेट जो कि इसकी एंट्री को एक अच्छा लुक दे देती है. देन उसके बाद यहां पे है रियर सीट्स और ये भी आपको लेदर में पूरी मिलेंगी और ये भी आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है. बीच में आपको हेडरेस्ट भी मिलेगा. देन उसके बाद यहां पे है इसका स्मार्ट रियर AC वेंट्स जो कि आपके रियर पैसेंजर्स को भी अच्छी फीलिंग देने वाले हैं. सो गाइस दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार और स्टीयरिंग देखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है. देन उसके बाद यहां पे आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे व्हिच आर अ न्यू थिंग टू द फीचर्स ऑफ दिस कार. सो गाइस यहां पे है इसका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर और यहां पे आपको SOS जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है. देन उसके बाद गाइस यहां पे है हेड्स अप डिस्प्ले, ये भी गाइस फर्स्ट इन सेगमेंट है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेट फीचर ऑफ दिस कार. सो गाइस यहां पे है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC और इसका भी एयर थ्रू काफी ज्यादा अच्छा देखने में लगता है. देन उसके बाद गाइस यहां पे है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करेगा रिवर्स कैमरा GPS और इसमें आपको 6 बोस स्पीकर्स मिलने वाले हैं. देन उसके बाद USB BT iPod कैपेबिलिटी और वॉइस कमांड जैसे बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं. और गाइस आप देख सकते हो यहां पे आप अपने हिसाब से साउंड या फिर मूड लैंप सेट कर सकते हो एंड दिस इज आल्सो द फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स. तो यस किया ने मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी है अपने फीचर्स को ऐड करने में अपनी कार में वेदर इन द टर्म्स ऑफ इंजन और इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज और एंटरटेनमेंट. सो गाइस यस अगर आप इस कार को परचेस कर रहे हैं सो यू आर गेटिंग अ फुल पैक्ड एडिशन ऑफ एवरीथिंग व्हिच यू वांट फ्रॉम अ कार. एंड यस गाइस मेरे भी ओपिनियन में दिस कार इज बेस्ट एंड यस द फर्स्ट इन सेगमेंट ऑफ कोर्स.
सो दिस इज द ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपको मिलेगा गियर इंडिकेटर, साथ ही साथ डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर, इंस्टेंटेनियस कंजप्शन और डोर अजान वार्निंग जैसे फीचर्स, और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें आपको सेंटर में जो MID स्क्रीन मिलेगी वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाने वाली है। अगेन अ नाइस थिंग। सो गाइस यहाँ पे है इसका स्टेयरिंग व्हील और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए एंड यस इट इज देयर। सो दिस इज द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और इसके बगल में भी आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल जाएंगे विच एड टू कन्वीनियंस। सो यस दिस इज द 6-speed ऑटोमेटिक डुअल क्लच कन्वेंशनल शिफ्ट गियर बॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे है कार की सनरूफ एंड व्हेन इट ओपन्स इट गिव यू अ वेरी 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 एयरी फीलिंग। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स विच इज गिवन बाय किया इन दिस कार। सो यस सेफ्टी फीचर्स उसमें टन है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन इमोबिलाइजर और ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm जो कि एक अच्छी चीज़ है एक SUV के हिसाब से एंड यस यू कैन टेक दिस कार ऑफ रोड ऑल्सो। सो गाइस ये सब फीचर्स भी इसके कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर ऑप्शंस ऑफ दिस न्यू कार। सो यू गेट अ टोटल ऑफ 7 कलर ऑप्शंस इन दिस कार, लेकिन अगर आप ऐड कर दें डुअल टोन कलर ऑप्शंस को यहाँ पे आपको लगभग 14-15 कलर ऑप्शंस मिलने। एंड गाइस आई विल प्रेस किया फॉर द फैक्ट दैट उन्होंने हर कलर ऑप्शन में अपनी क्लैडिंग का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से किया गया है और जैसे कि आप देख रहे हैं हर कलर में क्लैडिंग में जो एक रेड एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है और ये चीज़ जो है इसके कस्टमर्स को जिनको एक स्पोर्टी कार चाहिए नाइस फीलिंग्स और नाइस फीचर्स के साथ उनको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो गाइस नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द राइवल्स ऑफ दिस न्यू कंपनी एंड दिस न्यू कार। सो गाइस इसका पहला राइवल है महिंद्रा की XUV 300 जिसके सेल्स ग्राफ आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड इट्स ऑल्सो अ न्यू कार। देन उसके बाद यहाँ पे है MG की हेक्टर जो कि रिसेंटली लॉन्च को हुई है और MG भी जो है एक नई कंपनी है फॉर इंडिया। देन दिस इज़ द न्यूली लॉन्च निसान किक्स और ये भी कार जो है अपने कस्टमर्स को अपने हिसाब से डील कर रही है। देन उसके बाद यहाँ पे है टाटा की काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली कार जिसका नाम है टाटा की हैरियर। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे है बहुत ही पुराना मार्केट लीडर जिसका नाम है हुंडई क्रेटा और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिक रही है। देन उसके बाद द लास्ट कार इज द न्यूली लॉन्च फ्रॉम मारुति सुजुकी इट्स द XL6। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कार। जैसे कि मैंने आपको MG हेक्टर के बारे में बताया था। सो गाइस यस किया एंड MG आर बोथ द न्यू कंपनीज और किया सेल्टोस का जो फ्यूचर है वो अब आपको आने वाले दिनों में ही पता चलने वाला है क्योंकि कार नई कंपनी है और अब तो दो ऑप्शंस भी हो गए हैं नई कंपनी में। सो गाइस जिसको भी अपनी कार लेनी है एक नई कंपनी से अदर देन मारुति हुंडई एंड टाटा, सो यस दे विल गो फॉर MG एंड किया। और अगर आप जाते हैं किया सेल्टोस के लिए तो इन माई ओपिनियन योर चॉइस इज बेस्ट एंड यस यू आर बाइंग अ नाइस एंड फुल फीचर्ड कार। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।